हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट का फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों करने जा रहे हैं। तो वैसे इसमें क्या पूछा उसने, इसमें बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये पता करो। हाँ, सो कैसे पता करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि फोर्थ वाले में क्या बोला उसने, एक्स माइनस थ्री और 2x+1 दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 2x+1 माइनस 3 इंटू 2x+1। ये ओपनिंग द ब्रैकेट वाला मेथड है, ठीक है। ये हो जाएगा x² + 5x। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सो ये हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 2x² + x माइनस 6x - 3। बाहर माइनस है, अंदर जाएगा प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होता है, जो भी साइन होती है यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x² + 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x² - 5x। सी एक्स माइनस 6x - 5 माइनस 3 = x² + 5x। से हो जाएगा 2x² - x² - 5x - 5x। सी ये सब मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। -3 = 0, ये हो जाएगा x² - 10x - 3 = 0। और क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। व्हाई? बिकॉज डिग्री, सिंस डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री इज 2, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद दूसरा, मतलब ये फिफ्थ वाला जो है वो है आपका 2x - 1। 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1। सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, हो जाएगा 2x * दूसरा ब्रैकेट x - 3 -1 × x - 3 दिस इज इक्वल टू x × x - 1 + 5 × x - 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, हो जाएगा 2x² - 6x - x, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, +3 दिस इज इक्वल टू x² - x + 5x - 5। आए समझ में, इजी है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 2x² - 7x + 3। सॉल्व किया लेफ्ट साइड को, बाद में राइट साइड में क्या हो जाएगा, x² + 4x - 5, ठीक है। ये हो जाएगा 2x² - x², सब राइट वाले को लेफ्ट में लेके आ रहा हूं मैं, -7x - 4x + 3 + 5 = 0। ये हो जाएगा x² - 11x + 8 = 0। आया समझ में? अब यहां पे क्या होगा, सिंस डिग्री इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जब भी कोई इक्वेशन होता है उसका अगर डिग्री 2 होता है देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ फिफ्थ हो गया, आगे जो आएगा 6, 7, 8 इस अगले वीडियो में देखने मिलेगा, ठीक है। सो लेट मी इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, आपको बाकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं कि वो भी, मतलब समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो, ठीक है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर।